हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नरुका ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि आरबीएससी ने खुद दिया है, कक्षा 8 का विज्ञान का। और दोस्तों, ये जो पेपर है, इससे आपको जो 20 नंबर है वो 100% मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। क्योंकि जब हमने SST का ये पेपर दिया था, उसके अंदर 20 नंबर के जो मतलब क्वेश्चन के जो आंसर थे वो इसी के अंदर से आए थे, जैसे कि बायोगैस वाला था तो वो भी आया था। तो दोस्तों, ये जो पेपर है इसे अच्छे से पढ़ लेना, 20 नंबर इसके पक्के आएंगे। नहीं आएंगे ना गाइस, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये मेरा आपसे 100% वादा है। और दोस्तों, ये बुकलेट पर आधारित है, बुकलेट पर आधारित मतलब ये जैसी आपकी बुकलेट आएगी उस प्रकार है, यानी तो ये बिल्कुल इसमें 100% आपका 20 नंबर तो आपके पक्के मान लो इसको अगर आपने पढ़ लिया। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुविकल्पी के, यानी कि आपको ये कोष्टक में दिए गए अभिसरण है, इनमें से आपको करना। पहला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल है कौन सी है? मक्का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक है? देखो, कॉकरोच नहीं होता, तितली भी नहीं होगा, मक्खी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। आगे संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा वो होते हैं जो हम बनाते हैं, यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, तो ऊन नहीं होते, कपास नहीं होगे, रेशम नहीं होगा, तो नायलॉन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जैसे कि अब देखो, यहाँ पर चांदी आंसर क्यों है, चांदी आंसर इसलिए है, जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन एक गैस है तो ये नहीं होगा, फॉस्फोरस ये भी नहीं होगा। अब बात आती है सल्फर, तो ये जो सल्फर होता है वो होगा भी नहीं। चांदी यहाँ पर अगर गोल्ड होता ना, गोल्ड भी इसका आंसर होता। चांदी कैसे, चांदी का मान लो ये आपके पास चांदी का टुकड़ा है, अगर आप इसे ठोकोगे, पीटोगे, तो बिल्कुल एक थिन शीट की जैसे हो जाएगा, देखो बिटन इन टू शीट्स। अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम भी होता वो भी सही आंसर होता, लोहा होता वो भी सही आंसर होता, ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो, आप घबरा कब जाते हो यहाँ पर, चादरों, अरे यार चादरों कैसे होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अगला है, समाप्त तो होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति से हमें मिले, तो देखो सूर्य का प्रकाश, ये भी हमें चारों ही प्रकृति से मिले, लेकिन सूर्य का प्रकाश हमेशा रहेगा, जल हमेशा हमारे पास है, वायु भी है, पेट्रोलियम बनता है, इसके बहुत टाइम लगता है और हम बहुत जल्दी इसे ख़त्म कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर होगा। अगला है, वनोन्मूलन का कारण है? सबसे पहले वनोन्मूलन कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन इसे कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन मीन्स यानी कि जो वन है उसका उन्मूलन, वन का उन्मूलन है ना, मतलब कि जो वन है इन्हें काटा जा रहा है ना, उन पर आग लगाई जा रही है, तो आपको बताना है उनका कारण क्या है। तो यहाँ पर कारण है कृषि के लिए वनों को काटना, यानी कि अपन एग्रीकल्चर मतलब खेती करते हैं, तो उसके लिए अपन जो ये जो फॉरेस्ट है, वन है, उन्हें काट देते हैं। ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, यानी कि ईंधन बनाने के लिए हम जो लकड़ी है वो काट के जला देते हैं। दवानल एवं भीषण सूखा, यानी कि सूखा पड़ जाता है, ठीक है, अपन कुछ दवाई भी बनाते हैं उनसे, तो इसका ऑप्शन नंबर 10 इसका उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन होता क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो ऐसा फर्टिलाइजेशन, ऐसा है ना निषेचन जो शरीर के अंदर हो, किसके अंदर, आंतरिक यानी कि अंदर, तो शरीर के अंदर, और अगर बाहर ही आता तो शरीर के बाहर, ठीक है, तो शरीर के अंदर यानी कि मादा के ही होगा, तो मादा के शरीर में। अगर यहाँ पे आंतरिक की जगह बाहर मतलब बाह्य होता, तो यहाँ पर मादा के शरीर के बाहर होता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संतापन वन जंतु है, यानी कि इनडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल है ना, जिनकी मतलब विलुप्त होने की कगार पे है, वो डेंजर है, तो कौन कौन से, ब और द इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर आपके दो ऑप्शन सही दिए गए, तो आपको किसी एक को कट कर लेना होगा और एक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है, मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, बॉल बेयरिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, घर्षण को कम करने के लिए, यानी कि जो फ्रिक्शन होता है उसका जो रिड्यूस है वो कम हो, ठीक है। अगला है, निम्न में से वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है किसमें, पुरुष की, ठीक है, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। अगला है, विद्युत का सुचालक, सुचालक मतलब विद्युत पास हो, जैसे कि आप लकड़ी देख लो, अगर लाइट बोर्ड है उसके अंदर आप लकड़ी डालोगे, छोटे से लकड़ी डालो, उसके अंदर करंट नहीं आएगा, यानी कि लकड़ी जो है विद्युत का सुचालक नहीं है, तो सुचालक नहीं है तो कुचालक हो जाएगी। प्लास्टिक भी नहीं होती तो प्लास्टिक भी कुचालक, उपरोक्त सभी तो आएगा भी नहीं, क्या बचा, लोहा। लोहा क्या होता है, विद्युत का
सुचालक, कुचालक नहीं होता, ये सुचालक होता है, यानी कि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी हो पास हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। अगला है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ छड़ में क्या आ जाता है, जो करंट है वो आ जाता है, चार्ज हो जाता है, तो धनावेश हो जाती है तथा, मतलब ये जो छड़ है ना वो धनावेश हो जाती है और कपड़ा जो है ऋणावेश हो जाता है, तो प्लस माइनस से क्या होगा, करंट बनेगा। अगर आपके पास जैसे कि मैं आपको कुछ चार स्थिति दे दूँ, एक प्लस प्लस और प्लस है, एक प्लस माइनस और माइनस है, एक प्लस प्लस और माइनस है, एक प्लस माइनस और प्लस है, तो करंट किस किस में होगा, देखो जैसे कि आपको चुंबक पता है, चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और एक और चुंबक है, एक में नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये जो आपने देखा होगा कभी कभी चुंबक एक दूसरे से मिलते नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं मिलते, क्योंकि जब नॉर्थ पोल साउथ पोल पास साथ हो जाते हैं तब ये नहीं मिलते, यानी कि तब ये रिएक्शन नहीं करते। तो प्लस और प्लस आयन यानी कि धनावेश धनावेश जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो होगा क्या, तो वो नहीं होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होगा, माइनस माइनस तो ऋणावेश भी नहीं होगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी इसमें, इसके लिए। अगला, भूकंप आने के क्या कारण है, भूकंप आने के कारण है ईश्वर का प्रकोप, ईश्वर का प्रकोप ऐसा कुछ नहीं होता, अतिवर्षा यानी कि बारिश ज़्यादा हो रही है ऐसा भी कुछ नहीं होता, ग्रहों की गति यानी कि ग्रह तेज हो रहे धीर हो रहे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब साइंटिफिक चीज़ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, पृथ्वी की प्लेटों की गति। अब देखो ये पृथ्वी है, इसे समझो, पृथ्वी प्लेटों से बनी है, प्लेटों से, जैसे जैसे अपना शरीर ह्यूमन का शरीर सेल से बना है वैसे पृथ्वी प्लेटों से बनी है। देखो इस प्रकार की जो प्लेटें होती है, ये प्लेट होती है, अब प्लेटें मान लो ये जो प्लेट है इसमें दरार आ गई है, अब पोल्यूशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें है ना जो अच्छे नहीं होनी चाहिए प्रकृति के लिए वो हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो प्लेटें हैं वो आपस से अलग हो रही है, और अलग होते क्या हो रही है, ये अलग हो रही है, तो यहाँ से क्या होगा, भूकंप आने की संभावना रहेगी, अर्थक्वेक आएगा, तो यही होता है भूकंप की मतलब, तो भूकंप आने का क्या कारण है, अर्थक्वेक का, पृथ्वी की प्लेटों की गति यानी कि मोशन ऑफ अर्थ प्लेट्स। अगला है, लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह है, लाल ग्रह अब मंगल क्यों है, अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ट्रिक देख लो, मांगीलाल, मांग देखो, मांगे से बन गया मंगल, लाल से बन गया लाल ग्रह है, यानी कि मंगल ग्रह है इसे लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, मांगीलाल इसकी ट्रिक हो गई। अगला है, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और ये 100% जो है इनमें से एक दो क्वेश्चन तो आएगा है आपके एक दो नंबर के, 20 नंबर इसके अंदर से आएंगे, तो आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, 20 नंबर इसमें से आपके 100% आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अगला है, उचित शब्द छाट कर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यहाँ पर ही आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखो फर्स्ट है, फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला है, टाइफाइड, टाइफाइड क्या है, एक बीमारी है, तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। अगला है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि जो पिघलती नहीं है उसको कितना भी गर्म कर लो वो सिर्फ एक बार ही मोल्ड वंस होगी, यानी कि एक बार ही गर्म होगी, फिर वापस आप उससे कुछ नई चीज़ बना नहीं सकते, है ना, वो होती है थर्मोसेटिंग। और थर्मोप्लास्टिक जिससे आप बार बार कुछ चीज़ बना सकते हो, जैसे कि आपके जो स्विच के बोर्ड होंगे उसे अगर आप अगर बेचने के लिए दोगे तो ये नहीं बिकेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि इससे कोई नई चीज़ बनी नहीं सकती, तो उनके मतलब जो कबाड़ी वाला होता है उसके कुछ ही काम की नहीं रहेगी, तो वो इन चीज़ों को नहीं लेता, क्योंकि थर्मोसेटिंग होती है, थर्मो प्लास्टिक को ही लेते हैं, इसलिए वो चेक करते हैं हर चीज़ को। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है, बेकेलाइट, दो उदाहरण है, बेकेलाइट और मेलेमाइट। अगला, धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला है, फिफ्थ, रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है, तो क्या आ जाएगा इसका, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम किससे बने, चट्टानी तेल, देखो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रो, पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि चट्टानी तेल, है ना, यानी कि जो हमें चट्टा सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है, ठीक है, जो समुंदर होता है उसके नीचे जो भी, मैंने आपको इसकी वीडियो वैसे तो बता रखी है, तो सिंपल चीज़ है, आपने पढ़ भी रखा होगा कि जो समुद्र होता है उसके नीचे जो भी
प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं, तो उसके अंदर जब जाते हैं और ज़्यादा उस पर फोर्स लगता है, ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, और उससे वो एक लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इससे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, आपके ग्रीस निकलता है और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा। अगर प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि जैसे कि ये पक्षी है, है ना। अब जैसे आपको पता है साइबेरियन क्रेन एक पक्षी होता है, वो क्या करता है, हर बार अलग अलग जगह जाता है। क्यों? जैसे मान लो ये साइबेरियन पक्षी है, ये यहाँ पर रह रहा है, कोई सी भी जगह है, यहाँ पर गर्मी हो रही है, अभी गर्मी हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, दूसरी जगह जाएगा जहाँ पर ठंडी होगी। तो ठंडी जगह जाएगा वो, वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ पर अगर ठंडी जगह गर्म हो गई तो वो वापस कहाँ आएगा, अपनी पुरानी जगह जहाँ वो ठंडी हो चुकी थी। तो वो कहता प्रवासी पक्षी यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपना, मतलब क्या कहना, अब जीवित रहने के लिए। तो यहाँ पर लिखा गया प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से, सुदूर यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं उन क्षेत्रों से रिक्त स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। किसके परिवर्तन के है, मौसम के पलायन, मौसम के परिवर्तन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, गर्मी से वो सर्दी में चले गए, सर्दी से फिर सर्दी में गर्मी हो गई, तो गर्मी से वापस सर्दी में आ गए, तो इस प्रकार से। अगला है टेडपोल का व्यस्क में रूपांतर। टेडपोल जो मेंढक होता है उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें टेडपोल कहते हैं। तो ये टेडपोल का वैसे यानी कि जब टेडपोल बड़ा हो जाता है तब इस पर रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण, है ना, कायांतरण कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अगला है जूतों के तले रिक्त स्थान किसके कारण घिस जाते हैं, तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण घिस जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं इसमें, सही और गलत। तो अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, तो नहीं कहते, तो इसका फॉल्स आ जाएगा। अगला है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय यानी कि एक जैसे, जैसे कि प्लस और प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं करते, प्लस माइनस करते हैं, हाँ करते हैं, तो एक जैसे सजातीय यानी कि सह मतलब सात, जाति यानी कि एक ही जाति के, तो प्लस प्लस एक ही जैसे है ना, तो ये नहीं करते, तो इसका फॉल्स आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पृथ्वी और परिवार, मतलब पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। पृथ्वी जो है मतलब सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा तो क्या है, मरकरी है यानी कि बुध है। अगला है आसू जल में विद्युत धारा का चालन होता है। अब देखो यहाँ पर आसू जल में मैंने अंडरलाइन कर रखी है, आसू जल मतलब अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, सॉरी सॉरी सॉरी, आसुत जल यानी कि शुद्ध जल, शुद्ध जल यानी कि जिसे हम पी नहीं सकते, जो कि लैब में काम आता है। अगर आप केमिस्ट्री लोगे तो वहाँ पर आपको जो पानी दिया जाए, मतलब पीने के लिए नहीं, जो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो पानी दिया जाता है वो शुद्ध जल होता है, यानी कि उसके अंदर नमक की मात्रा नहीं होती। अगला आप देखते हैं आसुत जल में विद्युत धारा का चालन होता है। तो आसुत जल में अगर नमक नहीं होगा तो आपको पता है नमक जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का सुचालक है, लेकिन आसू जल कुचालक है, तो यहाँ पर इसका फॉल्स आ जाएगा। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषण गैस है, तो जी हाँ बिल्कुल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एसी में होता है और फ्रिज जो है उसके अंदर भी होता है। अगला है लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। तो देखो लोहे जो भी मेटल होती है उसमें जंग कैसे लगती है, जंग कैसे लगती है, देखो ये जैसे कि लोहा है, लोहे के ये कोई प्लेट है, इस पर जंग कैसे लगेगी, जब इस पर पानी आएगा, जब इस पर हवा, और जब टू ओ प्लस ओ टू मिलेंगे प्लस जो अफी है आपके यानी की, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जंग का, ये चीज़ है। अगला प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के, तो इसका आंसर तो ट्रू हो जाएगा आपने। अगला प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, तो प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ होता है तो इससे संबंधित है, ट्रू इसका सही आंसर होगा। अगला आप क्वेश्चन देखिए, आपको मिलान करना है। तो रबी की फसल, रबी की फसल क्या आ जाएगी, गेहूँ और चना आ जाएगा। अगला है एक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ किसका है? मतलब क्या है प्रोटोजोआ, तो देखो एक प्रोटोजोआ क्या है, ये मलेरिया का कारक है। प्रोटोजोआ में क्या आता है, जो मच्छर होता है वो आता है। कपास, कपास क्या है, कपास एक प्राकृतिक रेशा है। डीजल, डीजल क्या है, मोटर ईंधन है। अंडाणु
उत्पादित होते हैं, यानी कि जो कि अंडे देते हैं, तो वो मतलब अंडाणु उत्पादित होते हैं, यानी कि अंडे कहाँ पर बनते हैं, तो अंडाशय के अंदर। ठीक है, तो ये इसका अपना मिलान का हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो खाद व उर्वरक यानी कि मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो ये एक नहीं है, अलग अलग है, इसको ध्यान से एक बार इसका एक टॉपिक जरूर देख लेना आप, खाद व उर्वरक का इसका एक क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस भी आ सकते हैं इनके बीच में, आपको अलग अलग बताना है कि होते क्या है। अगला है कैरम खेलते समय, आप कैरम खेलते हो, ओके, कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, पाउडर का। आपको पता जब आप पाउडर डालते हो, जब वो फ्रिक्शन, जैसे कि मैं आपको सिंपली बताऊँ ना, ये कैरम है, अभी आपकी जगह होती है मारने की, अब यहाँ पर गोटी है, ये आपकी जो आपके पास गोटी, अब आप मारोगे ना तो ये धीरे ही गई है ना, लेकिन अब जब पाउडर डाल दोगे तो ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कब होती है, यूँ दौड़ दौड़ के भागेगी, तो आप जैसे मारोगे फटाफट जाएगी, इसलिए आप पाउडर डालते ताकि आप जीत जाओ। ठीक है, तो जीतने के लिए आप पाउडर डाल सकते हो। किसी एक ध्वनि प्रदूषण का नाम आपको लिखना है, तो ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, साउंड से होता है, और अगर कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि जो हवाई जहाज होता है, जब वो नीचे उतरता है, लैंडिंग होती है उसकी, तब भी वो आवाज़ करता है, या फिर कुछ भी वॉशिंग मशीन, एसी देख लो आप, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ें जो कि आवाज़ करती है, डिवाइसेस, कुछ यंत्र, तो वो क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण का काम करता है। तो यहाँ पर एक नंबर का है, एक चीज़ आपको लिख देनी, एक नंबर मिल जाएगा। अगला है विद्युत के एक कुचालक, देखो सुचालक यानी कि जिनके अंदर विद्युत जाती है, कुचालक यानी कि जिनके अंदर विद्युत नहीं जाती। अब कुचालक नहीं जाती तो एक लकड़ी है, अगर दो बोल ले तो आप प्लास्टिक भी लिख सकते हो उसके अंदर। अगला है विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस नाम लिखिए, विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी जो है गैस उत्तरदायी है, तो कौन सी गैस उत्तरदायी है, CO2। CO2 क्या करती है, ब्लैंकेट का काम करती है, जैसे कि जो अर्थ है उसके अंदर गर्मी ज़्यादा रहती है, तो अब ये पोल्यूशन के कारण ये जो ओजोन गैस है उसमें छेद हो गया, तो ये जो मतलब जो सूरज की जो किरणें हैं वो आ रही है, उससे जब वो वापस जा रही है तो वो CO2 के साथ मिलकर क्या, एक CO2 ब्लैंकेट बना लेता है, जिससे कि जो गर्मी है वो अर्थ से बाहर नहीं जाए, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाए। तो इसलिए तो आपने देखा होगा जब सर्दी रहती है तो बहुत सर्दी रहती है, गर्मी रहती है तो बहुत गर्मी रहती है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है और ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, सो ये तो हो गया अपना पार्ट ए, अब अपन पार्ट बी करते हैं। तो ये है पार्ट बी, अब हम पार्ट बी में ये जो क्वेश्चन आंसर है ये करते हैं। तो पहला जो 10वां क्वेश्चन है वो है, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से कपड़े बने कपड़े पहनेंगे, तो इसका आंसर है गर्मियों के लिए सूती कपड़े हम पहनने मतलब खरीदने चाहिए, क्योंकि ये संश्लेषित कमीजें जल्दी गर्म हो जाती है, यानी कि जो इंसानों ने बनाए जो कपड़े हैं वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमें प्लांट से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, जैसे सूत हो गई, सिल्क हो गया, तो ये क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, तो ये क्या होते हैं, गर्म नहीं होते और शरीर में चिपकने लगते हैं, जो मतलब ह्यूमन आर्टिफिशियल होते हैं ये संश्लेषित रेशे। तो यहाँ पर क्या आ गया कि गर्मियों में आपको सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो संश्लेषित रेशे कमीजें होती है जल्दी गर्म हो जाती है और शरीर में चिपकने लगती है, इनके पहनने से पसीना भी अधिक आता है, ये हवा को अंदर बाहर भी नहीं आने देती, इसके विपरीत सूती कमीजों से हवा अंदर बाहर आती है और पसीना सुखा देती है। तो आपको यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई है कि यहाँ पर जो सूती कपड़ा है आपको पहनना चाहिए और संश्लेषित रेशे के जो कपड़े हैं आपको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े के अंदर जो गर्मी मतलब जो सर्दी रहती है वो अंदर बाहर आती है, मतलब यहाँ पर क्या गया, जो गर्मी रहती है आपके हवा अंदर बाहर आती रहेगी और ये शरीर में भी नहीं चिपकेगी, आपके पसीना भी नहीं आएगा और आपके कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन संश्लेषित रेशे में ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन है धातु और अधातु में आपको कोई तीन कारण आपको बताने, एक कारण का एक नंबर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अच्छे से गुण धातु अधातु ये लिख लेना है ना, ये आप लिखोगे ना तो इनका आपको आधा नंबर मिल जाएगा। मैं आपको हर चीज़ बता दूँ किस चीज़ के आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, है ना। तो गुण में दिखावट में धातु कौन सी, जैसे धातु होती है तो धातु आप आयरन की बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर आयरन की, जैसे धातु में अपन ने आयरन ले लिया, अधातु के अंदर पोटेशियम अपन ले लेते हैं, है ना, तो पोटेशियम अपन ने ले लिया। तो देखो दिखावट के अंदर धातु चमकदार होती है, ये निष्प्रभ होती है यानी कि चमकदार नहीं होती, कठोरता ये कठोर होती है लेकिन अधातु कठोर नहीं होती,
आघात वर्धिनी, यानी कि इनके मतलब अपन छोटा पिंडी करें यानी कि मारे हथौड़े से, तो ये आघात वर्धिनी होती है। इनके कुछ लगती नहीं है, लेकिन आघात वर्धिनी नहीं होती, इनके लगती यानी कि आप मारोगे तो एकदम से चपटी हो जाएगी, ये आघात वर्धिनी नहीं है। मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो जाता कार का, तो कार को इतना क्यों नहीं होता? आघात वर्धिनी है क्योंकि धातु से बनी हुई, अधातु से बनी हुई होती तो आप कब कहें रख जाते हैं। ठीक है, 12वां सवाल है। 12वां सवाल देखो क्या है। संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान हो गया कठिन? अपने उत्तर में आपको कारण भी बताने हैं। तो 3 नंबर का है, तो आप आराम से मतलब 3 नंबर जैसे लिख दीजिएगा। तो देखो संगमरमर क्या होता है, जो ताजमहल है, ताजमहल को जिस पत्थर से बनाया गया वो संगमरमर है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा साबुन का पानी फर्श द्वारा प्रदान किए गए घर्षण बल को कम कर देता है, इसलिए इस गीले फर्श पर चलना कठिन होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद करना, यानी कि जो आग बुझाते हैं अपन, मान लो कहीं पर पानी लग गए, तो मतलब कहीं पर आग लग गई तो आप आग बुझाओगे, तब आप मतलब आपने देखा होगा आग फायर ब्रिगेड क्या करती, पहले तो ये जो इलेक्ट्रिशियन ये जो रहते हैं यानी कि जो खम्भे रहते हैं बिजली के, इन्हें बंद कर देती है। क्यों क्यों कर देती है? क्योंकि देखो आंसर, देखो इसका आंसर है, साधारण पानी विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक यानी कि इसके विद्युत कंडक्ट होती है, पास होती है। यदि पानी का छिड़काव करते समय यदि पानी विद्युत बोर्ड आदि में चला गया तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा रहता है, जिससे जान माल की हानि हो सकती है, यानी कि जान भी जा सकती है किसी के, और आग लग जाएगी, आप आग बुझाने के चक्कर में वो पूरी आग चली जाएगी। अगला है, भूकंप से बचने के लिए आपको कुछ क्या सावधानी बतरेंगे, क्या सावधानी आप रखेंगे, आपको ये बताना है। तो देखो भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हो तुरंत आपको उस घर से में से बाहर खुली जगह पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो घर रहता है उस पर सामान वगैरह टूटेंगे तो आप पे भी आ सकते हैं, इसलिए बताया गया है। बड़ी इमारत बिजली के खंभों और पेड़ों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनमें जो धनावेश रहता है वो ज़्यादा रहता है, और जो क्लाउड रहते हैं उनमें ऋणावेश ज़्यादा रहता है, तो धनावेश ऋणावेश मिलेंगे तो क्या होगा, बिजली बनेगी, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उस पर भी नहीं जाना, बिजली के खंभों पर भी नहीं जाना, वहाँ पर भी धनावेश रहता है, और जो पेड़ रहते हैं उनसे दूरी बना के रख लेना। अगला है, भूकंप आने के बाद बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, लिफ्ट बंद हो सकती है कभी भी, और वो जो है मतलब कंडक्टर है किसका, बिजली का, तो आपके जो बिजली है वो भी आ सकती है, ये भी चीज़ है। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सीढ़ियाँ जो है आपको पता है चूने मिट्टी पत्थर की बनी हुई रहती है, तो इससे आपको कुछ नहीं होगा। तो अब अगला सवाल है, सौर परिवार का नामांकित चित्र आपको बनाना है, नामांकित मतलब नाम भी लिखना है, आपको चित्र भी बनाना है। तो देखो ये सूरज है, इधर शुक्र है, बुध मतलब बुध पहले, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, फिर आपके आ जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपकी जो है। अगला है सी एन जी यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस, और एल पी जी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का ईंधन रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है, मतलब क्या लाभ है इनके, तो ये आपको बताना है। तो इनके लाभ भी मैं आपको बता देता हूँ। सीएनजी का उपयोग करने वाले वाहनों के लिए कम रखरखाव लागत, यानी कि कम पैसे में आपके सीएनजी का उपयोग हो जाएगा, जितना पेट्रोल डीजल का खर्चा देते हो उससे कम रुपये में आपके हो जाएगा। फेल या देखो क्या है, फेल या वाष्पीकरण के माध्यम से ईंधन की हानि न्यूनतम है, तो और है आसानी से और समान रूप से हवा के साथ मिल जाता है, यानी कि आराम से आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इतना गर्म वगैरह भी नहीं होता है, आसानी से ये तो हो गया ना आपने। एक स्वच्छ जलने वाला ईंधन जो गैस कुकर में धुआं नहीं बनाता, कोयले की तुलना में कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है, जिससे कि आपके जो पोल्यूशन है वो कम होगा। ठीक है, और भगवान आपको अच्छे मतलब अच्छा समझेंगे। अगला है नर जनन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है, नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये देखो आपके लिए मैं चित्र भी लेके आया हूँ। तो इस चित्र के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पर मूत्राशय जहाँ पर आपके मूत्र जो जमा हुआ रहता है, मूत्र वाहिनियाँ रहती है जहाँ से मतलब आप खाना पीना खाओगे, फिर जब आपके जो जो मतलब जो चीज़ आपके बेकार रहेगी, जो
अब अपन कुछ भी खाना खाते पानी वगैरह पियेंगे तो वहाँ पे जो न्यूट्रिशन रहेंगे वो शरीर ले लेगा अपने अंदर, है ना। लेकिन फिर जो चीज़ बची हुई है जो बेकार है, जैसे आप कुछ भी खाना खाते हो, है ना, तो अब जो चीज़ बेकार है आप उसे डस्टबिन में फेंक दोगे ना, तो उसी तरह अपना शरीर भी इसी तरह काम करता है। जो चीज़ बेकार है वो मूत्राशय में डाल देता है ना, मूत्राशय में लिक्विड और पीछे आपको पता है सोलिड डाल देता है ना। तो उसने की इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पर शुक्र वाहिनियाँ हैं, प्रोटेस्टिव ग्रंथि है, मूत्र मार्ग यहाँ से जो कि आपके मूत्र बाहर आएगा, वीर्य पुटिका है, स्तंभ उत्तक है, यहाँ पर अंडकोश की जो थैली है, और यहाँ पर अधिवृष और ये शीश्न, ये जो है ये जो भाग ये शीश्न है और ये वृषण है जहाँ पर स्पर्म बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट बी। अब अपन पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में खरपतवार किसे कहते हैं, इसका नियंत्रण करने के लिए क्या जाता है, आपको समझाने 4 नंबर का क्वेश्चन है। और दूसरा है सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षण करने वाली सिंचाई के 2 विधियों का नाम, 2 विधियाँ कौन कौन सी है, तो 2 विधियाँ एक तो छिड़काव तंत्र है और एक ड्रिप सिस्टम है। तो अपन ये वाला कर रहे हैं इरीगेशन वाला। उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियाँ हैं, छिड़काव तंत्र ये पहली है। अब देखो इस विधि में होता क्या है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि यानी कि जो समतल नहीं, जो बिल्कुल सीधी नहीं है, जो टेढ़ी मेढ़ी है, जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, जहाँ पर जल जो है वो कम हो, किया जाता है। इस विधि में पाइपों के ऊपर घूमने वाले, देखो होता क्या है ये इस विधि में, मैं आपको सिंपली बताऊँ ना, जो ये जो आपके खेत है, ये खेत है, यहाँ पर इस प्रकार के पाइप लगा दिए जाते हैं, इसे है ना, जैसे आपके शावर रहते हैं वहाँ पर एक नोज़ल रहता है, नोज़ल में मोटर लगी हुई रहती है जो कि घूमता रहता है, और जो पानी आता रहेगा ना वो ऐसे चारों तरफ जाएगा जिससे पानी जो है सब जगह चला जाएगा। यही होती है छिड़काव तंत्र, है ना, जब पंप द्वारा जल को मुख्य पाइप से भेजा जाता है, यह तो यह घूमते हुए नोज़ल के बाहर निकल जाता है और पौधों में वर्षा की भांति छिड़काव होता है, जैसे कि बारिश आती ना वैसे छिड़काव होता है। बलुई मिट्टी के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है मिट्टी के लिए। अगला है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम, इसमें बूंद 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 पोषण वाला, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों में गिरता है ताकि मतलब ये इवोपोरेट जल्दी नहीं हो। इस विधि का उपयोग करने से जल व्यर्थ नहीं जाता, ठीक है। यह विधि फलदार पौधों बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम विधि है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है, और जहाँ पर आपके पास मतलब पानी ज़्यादा हो तो आप उसके लिए, अगर देखो बड़ी जगह हो तो आप छिड़काव तंत्र कर सकते हो, ये वाला उपयोग कर सकते हो, ये वाला सिस्टम, और अगर आपके मतलब ज़्यादा पानी हो तो आप ये वाला जो है कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास जो ज़मीन भी कम है, आपके पास पानी भी कम है, तो ड्रिप सिस्टम आपके लिए बढ़िया चीज़ रहेगी। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख आपको करना है, 4 नंबर का है, और अथवा में है रेड डाटा पुस्तक क्या है, किन्हीं 2 संतापन जंतुओं के नाम आपको बताने हैं। तो अपन वनोन्मूलन वाला कर ले रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन वाला। तो वनोन्मूलन होता क्या है, वन क्षेत्र को वन रहित क्षेत्र में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वनोन्मूलन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर फॉरेस्ट है, यहाँ पर हमने फॉरेस्ट को काट दिया, क्या कर दिया हमने, यहाँ पर पेड़ पौधों को काट दिया, उसे परिवर्तित कर दिया उस क्षेत्र को, तो वही वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों के क्षेत्रों में पेड़ों को जलाना या फिर काटना। अब इसके कारण निम्नलिखित है, कारण कौन से, मानव जनसंख्या का बढ़ना जिससे भवन निर्माण, रेलवे लाइन, सड़कों, इमारतों, शैक्षिक संस्थानों यानी कि जैसे स्कूल और कॉलेज, ये कुछ इंटरव्यू की जगह होती है वैसी, उद्योगों आदि को स्थापित करने के लिए भूमि की मांग बढ़ी है, ठीक है। अगला है मानव द्वारा वन्य जंतुओं का शिकार मानव निर्मित कारण, औषधियों के लिए पेड़ पौधों को काटना मानव निर्मित कारण, बाढ़ आना प्राकृतिक कारण, ये प्राकृतिक है यानी कि जो ये है ना, ये प्रकृति का है, अपना कुछ नहीं है, लेकिन ये दोनों मानव निर्मित है यानी कि जो मानव ने ही किया है, ये जो इधर कर रहा हूँ यानी कि वो प्रकृति का है, और जो इधर कर रहा हूँ यानी कि वो मानव ने किया है। जंगलों में क्षेत्र को साफ करने के लिए आग लगाना मानव निर्मित कारण, घरों एवं कारखानों का निर्माण मानव निर्मित कारण, ठीक है, अब घर वर बन रहे हैं ना। तो अगला क्वेश्चन है 21 प्रश्न आएंगे, तो 20वां प्रश्न है मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन 1 सेकंड में, वो 500 बार अपने जो पंख है वो फैलाएगा, है ना, तो आपको सेकंड के औसत दर से कंपित ध्वनि
ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन की आवृत्ति व आवर्त काल ज्ञात कीजिए, यानी कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी है आपको। और अथवा में है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस भाग में ध्वनि उत्पन्न होती है, आपको बता रहा है मंजीरा में कहाँ पर होती है, बांसुरी में कहाँ से होती है, सितार में कहाँ से, ढोलक में कहाँ से होती है। तो देखो अपन ये वाला कर रहे हैं ऊपर वाला, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, अपन को क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल निकालने, ये जो फ्रिक्वेंसी होती है, पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इंग्लिश में आपको बताता हूँ, ऑब्स्टिकल्स अपॉन टाइम, जो है टाइम कितने सेकंड में है ना, तो यहाँ पर अस लगा दो। ऑब्स्टिकल कितने अपने पास, 500 है, ठीक है। अब नीचे कंपन एक सेकंड में कर रहा है ना, तो एक यहाँ पर लिख देंगे, तो एक बटे में 500 हो जाएगा ना, ऊपर एक बटे में 500 ऑब्स्टिकल्स, एक टाइम एक हो गया, तो टाइम अपॉन ऑब्स्टिकल्स इसमें हो जाएगा एक बटे में 500। आवतकाल एक बटे 500 सेकेंड, इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो 0.002 सेकंड इसका सही आंसर होगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, 0.002 सेकंड में एक बार फंग फैला रहा है, इतना तो मतलब बहुत कम टाइम है। तो ये लास्ट प्रश्न है आपका, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चार उपाय आपको बताने, एक उपाय का एक नंबर इसमें आपको मिलेगा। दूसरा है, वायु प्रदूषण से क्या आशय है, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव का आपको उल्लेख करना है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्न प्रकार के हैं, जहाँ तक संभव हो किसी भी प्रकार के अपशिष्ट या अपशिष्ट युक्त बहिस्त्राव को जलाशयों में मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। अगला है, घरों से निकलने वाली मलिन जल तथा वाहित मल को एकत्रित एक शोधन संयंत्रों से पूर्व उपचार के उपरांत ही नदी या तालाबों में विसर्जित किया जाना चाहिए। संभव हो तो इस प्रकार से उपचारित जल का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए। सिंचाई मैंने आपको बताया ना अभी। अगला है, पेयजल स्रोतों यानी पीने के जल के स्रोत जैसे तालाब, नदी इत्यादि हैं, तो इन चारों ओर दीवार बनाकर विभिन्न प्रकार की गंदगी के प्रवेश को रोकना चाहिए। दीवार नहीं बनाते तो लोग इसमें मूत्र कर देते हैं और नहाते हैं गंदे, मतलब तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ये पानी पीने का है तो पानी पीने जैसा ही इसे लायक रखो। अगला है, जलाशयों के आसपास गंदगी करने, उनमें नहाने, कपड़े धोने इत्यादि को रोकना चाहिए, जिससे गंदगी साबुन तथा वन्य मतलब अन्य प्रक्षाल्य पदार्थ जल में न मिलने पाए। तो ये आपका था आंसर। तो ये तो आपने पार्ट जो है बी, तो अगर उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। और ये जो पेपर है इसके 20 नंबर आपको पक्के, इसको आपको ये याद हो जाएगा ना, तो 20 नंबर आपके पक्के हैं, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। तो 20 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ।